मोस्ट वांटेड गैंगस्टर प्रसाद पुजारी को चीन से मुंबई एयरपोर्ट पर डिपोर्ट किया जा चुका है। प्रसाद पुजारी लगभग 20 सालों से फरार था। उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर रखा था। आपको ये बता दें कि चीन से किसी भी फरार अपराधी के प्रत्यर्पण का ये पहला मामला है। हत्या की कोशिश, अपहरण, जबरन वसूली जैसे लगभग सभी बड़े अपराधों में शामिल होने के बावजूद वो हमेशा फरार रहता था और मुंबई पुलिस के लिए सरदर्द बन गया था। पुजारी मुंबई में गोलीबारी, जबरन वसूली और हत्या के 9 से ज्यादा मामलों में शामिल है। उसको फरवरी 2023 में हांगकांग में चीनी अधिकारियों ने पकड़ा था। हमारी टीम ने काम किया, जो भी एजेंसी हमारे साथ इन्वॉल्व थी उन्होंने सिंसियरली काम किया एंड वी हैव बीन सक्सेसफुल। हम सक्सेसफुली उसको ला पाए ताकि वो अपने गुनहों के लिए जो भी हमारे कायदे में हमारे कानून में प्रावधान है उसके तहत उसको फेस करना पड़ेगा। रिजल्ट नहीं, हमारा जो भी कोऑर्डिनेशन था वो एजेंसीज के साथ, हमारे साथीदार जो एजेंसीज है उनके साथ ठीक था और अल्टीमेटली हम सक्सेसफुली उसको लेकर आ पाए हैं। गैंगस्टर प्रसाद पुजारी को चाइना से मुंबई डिपोर्ट करना जितना चुनौतीपूर्ण था उतना ही सरल तरीके से मुंबई क्राइम ब्रांच ने उसे चाइना से मुंबई ला दिया है। फिलहाल आज उसे मुंबई कोर्ट में पेश किया गया जहां माननीय कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी है। जानकारी यह है कि प्रसाद पुजारी ने के ऊपर अब तक करीब 8 से ज़्यादा गुनाह दाखिल है जिसमें 2 हत्या, अपहरण, धमकी और फायरिंग जैसे गुनाह दर्ज है। क्राइम ब्रांच की जानकारी के अनुसार प्रसाद पुजारी पहले छोटा राजन गैंग के साथ काम करता था, उसके बाद छोटा पिल्ले गैंग के साथ जुड़ा, लेकिन दोनों को के साथ अनबन होने के बाद उसने खुद का साम्राज्य खड़ा करना चाहा। इस साम्राज्य में उसके साथ कितने लोग शामिल हैं इसकी जांच क्राइम ब्रांच आगे करेगी, लेकिन जानकारी यह है कि आने वाले समय में प्रकाश प्रसाद पुजारी के पास से कई बड़े अहम खुलासे होने वाले हैं क्योंकि उसने अब तक कई सेलिब्रिटियों, कई विधायकों, बिल्डरों और तमाम हस्तियों को धमकाने और हत्या करने का भी प्रयास किया है। फिलहाल प्रसाद पुजारी की गिरफ्तारी के बाद यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में उसे मुंबई से चाइना, हांगकांग भेजने में किन लोगों ने मदद की है इसकी भी जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी। फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रसाद पुजारी के पास से कई अहम खुलासे होने हैं। कैमरा पर्सन रमेश के साथ मस्कर सोनी 12/24 मुंबई। तो हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है गैंगस्टर पुजारी प्रसाद। देखिए 2005 से भारत से फरार था गैंगस्टर प्रसाद। हत्या, रंगदारी और अपहरण के केस में 2003 में हांगकांग में वो पकड़ा गया था। इसके अलावा चीन में कुमार पिल्ले गैंग ऑपरेट होकर रहा था। चीनी पत्नी के साथ फ्लाइट पकड़ते वक्त गिरफ्तार हुआ। मुंबई में मर्डर वसूली समेत 17 केस उस पर दर्ज है। गैंगस्टर प्रसाद पुजारी चीन से मुंबई लाया गया है।